फ्रेंड्स, आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि आप सैमसंग गैलेक्सी M20 में किसी भी ऐप को कैसे हाइड कर सकते हैं और उसे फिर से फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप देख सकते हैं आपके होम स्क्रीन में फाइंडर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है सबसे टॉप में, उसके साइड में आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उस 3 डॉट्स पर तो आपको होम स्क्रीन सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और आपको सबसे नीचे हाइड ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। हाइड ऐप्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जितने भी आपके मोबाइल में ऐप्स होंगे वो सभी ऐप्स यहाँ पे शो होंगे, और तो उन ऐप्स में से आप जिस भी ऐप्स को आप हाइड करना चाहते हैं आप उस पर टिक मार्क करेंगे तो वो ऐप्स हाइड हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे मैं ये बुकिंग ऐप है सबसे टॉप में, उसको मैं हाइड करना चाहती हूँ तो उस पर मैं टिक मार्क करूँगी। तो देखिए यहाँ पे हिडन ऐप्स में मेरा ये बुकिंग ऐप हाइड हो गया है, ठीक है। इसके बाद मैं इसे अप्लाई कर दूँगी। इस तरह ये ऐप क्या होगा, मेरे मोबाइल से हाइड हो जाएगा। और इसे फिर से मैं फाइंड करना चाहती हूँ तो फिर से मैं ये 3 डॉट्स पे क्लिक करूँगी और होम स्क्रीन सेटिंग पे जाऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी हाइड ऐप्स पे। हाइड ऐप्स पे जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हिडन ऐप्स पे मेरा ये बुकिंग ऐप दिख रहा है, इसको मैं फिर से क्लिक करूँगी तो ये ऐप क्या हो जाएगा, हाइड से बाहर आ जाएगा और इसे मैं अप्लाई कर दूँगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऐप मेरा यहाँ पे आ चुका है सबसे लास्ट में। तो इस तरह आप सैमसंग गैलेक्सी M20 में किसी भी ऐप को हाइड भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।